इस तरह से मुकाबला करते हैं। बॉडी लाइन के बाहर छान रहा है, पहली गेंद का चौके के साथ हरा दिया और चार रन की मदद से, चार रन बिना विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा होगा पिछला मुकाबला जिस तरह से जीता था, उसी तरह का मुकाबला यहाँ पर भी होगा। पैर से टकराई, गेंद जाती हुई डिक्लेयर बॉक्स में एक रन के लिए, रनों की संख्या बढ़ेगी, पांच रन बिना विकेट के नुकसान। इसमें कोई शक नहीं, अभी भी चार गेंद शेष, फिर से एक बार पैर से टकराई, डिक्लेयर चेस करने के लिए कोई बल्लेबाज जाएगा। सभी दर्शक भी जानते हैं आज के दिन के सभी हाई वोल्टेज मुकाबले रहेंगे। आज जो डर गया वो मर गया, हार गया वो घर गया, जानते हैं क्रिकेट का क्या महत्व है, जानते हैं इस मुकाबले में क्या होगा, क्योंकि हर टीम जीतने के लिए खेलेगी, क्योंकि खतरा मंडराएगा उनके सर के ऊपर हार का। फिर से एक बार कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, ये छह ओवरों में कितने रन यहाँ पर बनाते हैं। फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत शॉट लगा, उतनी ही खूबसूरत बिल्डिंग का नजारा, दौड़ कर एक रन जुड़ता, ये भी बहुत बड़ा नाम है इस अंडर क्रिकेट का। देखेंगे कितने रनों की साझेदारी बनाते हैं। ईश्वर की पहली गेंद जोर से खेला, रोकने का प्रयास, थोड़ी सी गलती। सभी दर्शकों की और इन खिलाड़ियों की बहुत ही अच्छी मेहनत की है। फिर से एक बार पैरालों का इशारा और एक चौका, पांच करके बल्लेबाज विस्तर की अगली गेंद और फिर गेंद, फिर से एक बार गैप में डकेला था, डिक्लेयर बॉक्स में जाएगी, शानदार पारी चलती हुई 18 रनों की साझेदारी बनी है। अभी भी कुछ गेंदें शेष है विस्तर की, फिर से एक बार टैप किया था, रोकना चाहते थे, चौका महंगा और साबित होता हुआ इस बार गेंदबाज का अपने टीम के दृष्टिकोण से देखना होगा किस तरह से कमबैक करते हैं। और फिर गेंद रन लेना चाहते थे, दीपू तोड़ से यहाँ पर गड़बड़ी कर चुके थे, लेकिन अच्छा खराब थ्रो आया, ओवर वाले का भी साथ होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर और फिर गेंद फिर से एक बार जोर से खेलने का प्रयास, थोड़ी सी तू तू मैं और बाहर आना होगा राजा को, इस बार धोखा दिया गेंदबाज ने और रन आउट होकर बाहर आते हुए। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्त बल्लेबाजी का मुजारा किया, रन आउट के रूप में बाहर जा चुके बल्लेबाज राजा। अब नए बल्लेबाज आते हुए घनश्याम, देखना होगा ये श्याम के नाम बनते हैं नहीं। दीपू ने ये एक आक्रामक बल्लेबाजी कुछ आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ, इसलिए ज्यादातर जहाँ पर सिद्दीक साहब रहते हैं वहां पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि देखा जाए तो RUPL में भी मैं आया था और काफी कुछ सीखा, और इस बार देखिए घनश्याम ने तो काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए घनश्याम, और परिस्थिति के अनुसार रन बनाने के लिए जाने जाते हैं, और एक कुर्सी के ऊपर बैठते नहीं, खड़े होकर कॉमेंट्री करते, ये एक अलग उनमें एक नजरिया है। और देखिए फिर से एक बार अंपायर देखना होगा क्या फैसला सुनाते, व्हाइट का इशारा है, डिक्लेयर बॉक्स में कैसे दो बीच में, लेकिन सेकेंड इनिंग में दंगल होगा, क्रिकेट का दंगल, टप्पा बंद कर बैठे, लेकिन बाहुबली बनेंगे इस बार भी। देखिए घनश्याम शानदार तरीके से तीसरा ओवर चक्का हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से अब तक बल्लेबाजी की है, ओ चतुराई के आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, स्कोर बढ़ेगा 31 रन एक विकेट के नुकसान पर, कोई छीन नहीं सकता वो ऊपर वाले की रहमत, तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। देखिए किस्मत में था चौका मिला, लेकिन सब कुछ किस्मत के बलबूते, ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाकर इस मुकाबले में खेलने की कोशिश करेंगे सभी बल्लेबाज और गेंदबाज। इस बार भी गलती की और चार रन प्रकार फलंदाजी करते अपने संघासाठी, आतापर्यंत पूर्णपणे निष्प्रभ केले, पुन्हा एकदा 43 रन बने हैं, बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर सेट करते हुए दर्शक भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला, फिर से एक बार उसी क्षेत्र में खेला, 47 रन बचे शाम के लिए, 16 रन चार गेंद पर, इसी के लिए उच्च कोटि के बल्लेबाज है। उसी क्षेत्र में खेला पर थोड़ी सी फील्डिंग लूज हुई, लेकिन फिर भी एक रन बैठ करके 48 रन, लॉस ऑफ वन विकेट इस की आखिरी गेंद करके दीपू के लिए। और देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, नो का इशारा, दौड़ कर एक रन, इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए, शानदार बल्लेबाजी। और देखिए दर्शकों ने भी तालियों से स्वागत किया, इसी से दर्शाते बहुत लंबा टारगेट सेट होगा। फिर से एक बार गैप में खेला, 54 रन बनते हुए इसी के यहाँ पर। और देखा जाए दो क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है मेरे दोस्तों, जिंदगी में मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अरे सच्चे दिल से ऊपर वाले से मांग कर तो देखो, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते, सितारे जगह छोड़े ना छोड़े, लेकिन अपनी जगह मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मुकाबला अब तक 56। शानदार तरीके से बल्लेबाजी की है घनश्याम ने, इस बार भी अंपायर का नो का इशारा सख्त, हालांकि पूरी तरह से दर्शकों के बीच में सन्नाटा छपा हुआ। देखते हैं सेकंड इनिंग में क्या होगा, फिर से एक बार अतिरिक्त है, लेकिन मुकाबला टाइट होना चाहिए, किसी एक की पुंगी टाइट होनी चाहिए, हमें यहाँ पर देखने का मुकाबला मजा आना चाहिए। बस दर्शक नहीं निकाला, लेकिन मैं कहूंगा पैसा वसूल मुकाबला होगा, जबरदस्त। इस बार भी देखिए दीपू के बल्ले से ऑफ साइड पर यहाँ पर रन निकला, और 1 रन की मदद से, हालांकि 5 ओवर प्रगति पर है,
देखना होगा किस तरह से हम बचवी गेंदों पर बल्लेबाजी करते हैं। घनश्याम बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस बार ऑफ साइड की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक और एक रन करेंगे, यानी कि पांचवी ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज सामने है। एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है दीपू, जो कि मुंगुस बैट लेकर बल्लेबाजी करते हैं। कौन ट्राई खेला, एक रन के लिए जाती है 62 रन। शिक्षण सभापति रत्नागिरी जिला नागले साहब, शहर प्रमुख संजू पवार यांचं या सर्वांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत। मैच कंटिन्यू। अंपायर का व्हाइट का इशारा आता हुआ और सबसे पहले सभी हस्तियों का मैं सरदार शेख हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर राजन साळवी साहब मौजूद है राजापुर के अंदर, तो उनसे भी गुजारिश करता हूं आपने कीमती समय निकालकर यहां पर उपस्थिति दर्शाई। और एक बहुत ही बड़ी बात करना चाहूंगा, साळवी साहब शायद पहचानते हैं मुझे, वेलकम सर। और ये हस्ती जो कि नगर परिषद वार्ड क्रमांक 1 की, यानी कि मेरा वार्ड है, वहां पर पहले नगर सेवक बने थे, मुझे खुशी है राजापुर के वो आमदार है, प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज तक का रिकॉर्ड है हमारे वार्ड से जो भी नगर सेवक बना है इतनी ऊंचाई पर गया, इनके लिए तो एक शेर बनता ही है। ना शिकवा करता हूँ ना ही शिकायत करता हूँ, साळवी साहब आपकी पॉलिटिशियन करियर यूं ही बढ़ती जाए बस यही दुआ करता हूँ। बहुत ही अच्छी हस्ती है और काफी करीब से जानता हूँ साळवी साहब के लिए, सिर्फ एक फोन कीजिए आपका काम जो जो कुछ भी हो परेशानी हो दूर करेंगे। तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में मौजूद है, फिर से एक बार सभी दर्शकों की ओर से इनका मैं स्वागत करता हूँ। इस पिकना ओपन लेकर इस बार गेंदबाजी पर देखा जाए तो राज मैन फ्रॉम उन्नास नगर अपनी ओर से पिकना टीम की ओर से पिकना ओपन लेकर गेंदबाजी करेगा। पिकने की गेंद बहुत अच्छी गेंद दुसरे षटक घेऊन मंदार या ठिकाणी गोलंदाजीवर येतोय। स्ट्राइक घेणार नितीश कुडारी आहे, नॉन स्ट्राइक घेणार वैभव चव्हाण आहे। रत्नागिरीचा गोलंदाज, ज्याला रत्नागिरीचा राजा म्हटला जातो रत्नागिरीचा, तोच गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजीवर आपण पाहतोय। मंदार गोलंदाजी करतोय, स्ट्राइक घेणार आपण पाहतोय नितीश कुडारी, नॉन स्ट्राइक घेणार आपण पाहतोय या ठिकाणी तो म्हणजे वैभव सदीपूरचा चेंडू, असून एक प्रकारचा चेंडू, असून एक प्रकारे काय तो चेंडू जातो डीप एक्स्ट्रा कवरच्या दिशेने, आपण पाहतोय दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे। इशारा चार धावांचा होतोय, चौकार निघतोय, आपण पाहिलं होतं त्या ठिकाणी घनश्याम शिंदे त्या ठिकाणी होता। आजच्या दिवसात आपण पाहतोय रत्नागिरीची रात्रीमध्ये एक जे एम पी एल 2018 काल कोरमची स्पर्धा झाली, आज आपण अंडरम घेतोय राजापूरमध्ये, कोकणामध्ये एक मोठं उत्सव चालू आहे। आपण पाहतोय जयगडमध्ये गेलो आपण, त्या दिवशी फायनल झाली, त्याच्यानंतर आपण रात्रीची रत्नागिरी गेली, सकाळची आज सावर्डा आणि दापोलीमध्ये देखील महासंग्राम चालू आहे डी पी एलचा, तो देखील फायनल आजच्या दिवसात संपन्न झाला। आणि आज राजकुमार रात्री आहे, उद्याच्या रात्री चिकडीचा महासंग्राम चालू होते पुन्हा एकदा। गिनबाजी परत तिकडे फिरते कर आपल्या बोली मार परत बारा छिके नो सेकंड ट्रॅकेट किया गिन गिनी के राजा ते मैन फ्रॉम उल्लास नगर बहुत अच्छी पिट्टी की किरण देता पर दर्शक किया कुछ मेरा कर राज्य की स्टार 12 रन पर 75 का पीछा कुछ मेरा कर रफ्तार का राजा रत्नागिरी का स्ट्राइक इन पर कितने का जिम्मा भाई वो जमा दिए गए खराब है नो बॉल का इशारा व्हाइट बॉल का इशारा एक रन देगा राइट
की पाठ नहीं होगा, ये मंदार को भी पता है, उनकी टीम को भी पता है। रन चाहिए, पता रन या चाहिए क्लीन बॉल राजापूर करंटच्या वासियांच्या वतीनं आम्ही त्यांचं मनापासून हार्दिक 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 स्वागत करतोय। गोलंदाजी वर आपण पाहतोय रोहित गुरव असणार आहे, दरम्यान सुनील प्रकारची गोलंदाजी केली जाते रोहित गुरुच्या मार्फत आपण पाहतोय। वैयक्तिक पहिलं आणि संघकंड तिसरं षटक घेऊन आलाय, या सामन्यात जो संघ विजय होईल त्या संघाला पुढच्या सामन्यात जाण्याची संधी मिळेल, जो संघ पराभव होईल तो या स्पर्धेतनं बाहेर जाणार आहे, याची देखील दक्षता डोलू कर्णधारने घ्यायची आहे। पुढच्या चेंडू रोहित गुरुचा असून एक प्रकारचा चेंडू नितेश कुटारी ऑन साईडच्या दिशेने खेळतोय। आपण पाहतोय मैदानात एक आहे ती म्हणजे 17 धावा राजापूर रायझिंग स्टार संघाचे गोलंदाजी व रोहित गुरुचा पुढचा चेंडू असून एक प्रकारचा चेंडू असून एक प्रकार खेळतो ऑन साईड करोखाड, दरम्यान एक धाव मिळते एका धावानं संघाच्या खात्यात भर पाडली जाते, संघ पोहोचतो 18 या धावसंख्येवर। धावत आपण पाहतोय तिसरे षटकात खेळ चालू आहे आणि 18 धावा कुरल्यात, एकूण 75 धावांचं पाठलाग चालू आहे मैदानात, एकूण 15 सरासरी धावा गोल करणं या षटकात तरी 45 धावापर्यंत पोहोचणं फारच गरजेचं असणार आहे, पण त्या दृष्टिकोनाचे चिन्ह दिसत नाही आहेत आपल्याला रायझिंग स्टार राजापूरच्या बाजूने। आपण पाहतोय एकेरीने दुहेरीने खेळ रायझिंग स्टार स्ट्राईक केला सचिन, पुढचा चेंडू रोहित गुरुचा, या प्रकारात चेंडूची घोषणा केली जाते, पंच स्वेअर घोषित करत आहेत, दरम्यान एक धावाने संघ पोहोचतोय 19 धावा 20 धावा माफ करा धावत आपण पाहतो या ठिकाणी तिसरं षटक 20 धावा यामध्ये असून एक प्रकारचा गरज आहे राजापूर रायझिंग स्टार संघना। अब गेंदबाजी पर घनश्याम शिंदे, मुंबई का बड़ा नाम, अंडरम क्रिकेट का बहुत बड़ा शान वाला खिलाड़ी, बॉक्स क्रिकेट का टॉप क्लास का खिलाड़ी, मुंबई में करते का जब असल का पैकर से खेलते हैं, असल का पैकर कम से कम मुझे लगता है 17 या 18 साल से खेलने वाली टीम अंडरम क्रिकेट में। अच्छी गेंद सचिन कर बैक टू पकड़ा, अच्छी गेंद विनर ऑन साइड पर टैकल दिया, गेंद को सेमीफाइनल का मुकाबला है, जो ये मुकाबला करो या मरो वाला दोनों की टीम के लिए, जो हारेगा वो बाहर जाएगा, जो जीतेगा वो अंदर रहेगा। रन संख्या हम देख रहे कुल मिलाकर 22 रह दिए गए, बहुत अच्छी गेंद, रन संख्या है कोई, रन संख्या कुल मिलाकर अब तक देखा जाए तो 22 रन, पारी को हम देख रहे हैं 14 ओवर प्रगति पर चक्का भाग गया, अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेल दिया विनोद, एक बार डायरेक्ट करने की संभावना देखा, ओहो तेजी के साथ दौड़ लगाई, क्या बात है विनोद, अभी भी चाहते हैं कि मैं मुकाबला जीत सकता हूँ, क्योंकि हम मुकाबले में कौन क्रिकेट ड्रेफ्ट कब राम द विकेट से अपने बोली बार क्रिकेट बाद ये गेंद ऑन साइड से बाहर गए रहे, दो रन का बोनस वाइट बोन और डिक्लेयर क्षेत्र का एक रन, रिजल्ट के कुछ मिला कर 25 रन, मुकाबला एक तरफ होने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आती, बिल्लों को पर गेंद को गेंद है ट्रैवर्स किया, गेंद ऑफ स्टंप की गेंद थी, आसानी के साथ ट्रैवर्स करते हुए भंडार अब अपनी ओर से दूसरा डीप की ओर से पांचवा ओवर लेकर स्ट्राइक इन पर नितेश कुटारी की, अच्छी गेंद बहुत अच्छी गेंद, भारी किनारे लगा देखिए तो अंतरम क्रिकेट में बहुत बड़े मुकाबले आ रहे, चिकली के अंदर 15,000 का टूर्नामेंट, चिपलू गुहागर उसे कहा गुहागर के अंदर बड़ा टूर्नामेंट 15,000 का, उसके बाद पनवेल के अंदर 1,00,000 का टूर्नामेंट अंतरम का था, बड़ा टूर्नामेंट रहेगा, मुंबई के अंदर बहुत टूर्नामेंट, दो बॉल का इशारा कि पहले अपने वर्ल्ड कप देखा था नामदेव स्मृति चषक डोंबिवली वेस्ट में हुआ था, बहुत मजा आया था अगर देखा जाए तो टूर्नामेंट में, और असल का पैकर और जॉर्ज पहले दिन के अंत पर खेले थे और असल का पैकर ने जीत हासिल की थी वो मुकाबले में, डोंबिवली ने डोंबिवली में वर्ल्ड कप चलता है मुंबई का, बहुत अच्छी गेंद और साइड पर खेल दिया, खिलाड़ी को छिड़की भी गया हैंड बाउंड्री लाइन के बाहर अपने बोलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हुए, मंदार गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइक गेंद पर विनोद के लिए, इसके बाद का मुकाबले में हाई वोल्टेज वाला मुकाबला होगा, या लेफ्ट फिनिक्स टकराएंगे साइड चैलेंजर, यानी तब कहते हैं साइड चैलेंजर टकराएंगे ऑस्ट्रेलियन फाइटर से, यानी टक्कर बराबर की घनश्याम, इसके बाद आएंगे आपके पास गेंदबाजी करते करेगा राज, देखा जाए तो गेंदबाजी पर बहुत अच्छी गेंद राज, वाइट बॉल के इशारा राज और अनिकेत खंडर होंगे, मोनिया टू राज ये कॉम्बिनेशन रहेगा, बहुत अच्छा मुकाबला और मंदार तो सागर निभाते, मंदार एक तरफ सागर निभाते एक तरफ, इसके बाद मुकाबला कहीं मत जाना जगह मत छोड़ना, देखने नहीं मिलेगा मुकाबला हाई वोल्टेज, इसके बाद बड़ा ड्रामा बड़ा पिक्चर, इसके बाद ले रहे मौसी फाइटर और इसके सामने कर देखा जाए तो साई चैलेंजर डोंबिवली की टीम है, बहुत बड़ा मुकाबला होगा, इसके बाद हाई वोल्टेज होने की संभावना है दोनों की टीम, उसके बाद जो मुकाबला होगा इसके बाद का मुकाबला हाई वोल्टेज, जो जीतेगा ग्रैंड फिनाले में, जो हारेगा बाहर जाएगा, इसके बाद बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, ये आखिरी ओवर चल रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर
27 इस बार एक रन 38 रन जीतने के लिए बड़ी जीत आपका के रवि बचावा के बोली बार पर दो बॉल दो रन बनते बनते संख्या दो की मदद से बढ़ती हुई 40 रन 40 रन 35 रन की जरूरत है दो गेंदों में 35 रन के बाद इसके साथ 4 रन बनते हुए अभिनव के बल्ले से निसार मुझे जीत की तलाश इसी के साथ ये मुकाबला साई चैलेंजर ने जीत लिया म्यूजिक बजेगा अब अगले पिक्चर की तरफ जाएंगे टॉसिस साई चैलेंजर पुरुष संघाचे कर्णधार महिला पुकारतो याच्यानंतरची लढत आपली असणार आहे साई चॅलेंजर साई घनश्याम शिंदे याला बघा आपण टर्चा सबल दावेदार खेळू काढतो काढतो खिलाडी करते